छत्तीसगढ़ पिछले 3 साल से अकाल ग्रस्त है, जिसमें अंबागढ़ चौकी भी चपेट में है। अंबागढ़ चौकी से लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और पलायन करते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष 1000 की जनसंख्या में अंबागढ़ चौकी से पलायन के लिए जाते हैं। एक नया पहल महिलाओं ने शुरुआत की है स्वरोजगार को लेकर, जो अनोखी है। इन महिलाओं ने अनोखा काम के लिए दूसरों के लिए किए हैं। रेडी टू ईट फूड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक कार्यक्रम है, जिसको क्या बोलते हैं, समूह में हम लोग 10 महिलाएं हैं, हम लोग उसको लिए हैं और हम लोग सब मिल के उसको काम करते हैं, जिसके लिए सरकार हमें 50,000 का लोन दी है, जिससे हम लोग मशीन चक्की आटा चक्की फिट किए हैं और उसमें हम लोग सब पिसाई विसाई करते हैं। उसमें से उसमें मात्रा है उसका सोयाबीन है 9 ग्राम और फली दाना 9 ग्राम, चना 13 ग्राम, शक्कर है 22 ग्राम और गेहूँ है 44 ग्राम। उसमें 3 ग्राम तेल मिलाया जाता है और ये सब को मिला के यानी पीस के पैकिंग करके हम लोग 25 आंगनबाड़ी में देते हैं। फिर वहाँ फिर आंगनबाड़ी से वो बच्चे हैं जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों और गर्भवती माताओं को वितरण किया जाता है। पहले तो हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर काम करते थे, लेकिन अब हमारे मन में से कोई बात नहीं है। अब तो छत्तीसगढ़ से बाहर तो दूर, हम लोग छत्तीसगढ़ में भी नहीं जाना चाहते, अपने गांव में ही काम करना चाहते हैं। घरेलू कुछ यानी उद्योग है जिसमें हम लोग बना रहे हैं रेडी टू ईट फूड, उसी तरह से और भी बन रहा है, जैसे कि अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, साबुन वाबुन का फैक्ट्री है, ये सब महिलाएँ कर सकती है और उससे छत्तीसगढ़ का पलायन रुक सकता है। मैं भान साहू, इंडिया अनहट के लिए।